चिल्ली मैकेले ने जा चाले बुलवा रही या चिल्ली बुलवा ली, समझ में नहीं आया ना? सेंसलेस कॉमेडी इसको कहते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। अरे कोई अरबाज भाई को 10-10 नंबर दो यार, कोई पकड़ाओ प्लीज, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। नो नो, एक बात की कमाल की हैरानगी आप सब लोगों को कि सिद्धार्थ यादव ऊपर कैसे चढ़ गया है, है ना? अरे साला आए पेड़ों से था ये। खैर बंबई हमको जम गई, बहुत बड़ा होटल खुला है, 5-star होटल। अर्चना जी आपको क्या बताएं, क्योंकि आप तो बड़े बड़े 5-star होटल के बाहर खड़ी रहती हैं। एक दिन मेरे को मिल गया, मैं बाहर क्या कर रही, के लिए खाना खाने आई हूँ। मैंने पूछा खाना खाया, कहते नहीं वो क्या है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग कहते हैं यहाँ पर खरीद के खाना पड़ेगा, घर से लाके नहीं खा सकते। बस वो दिन है आज का दिन, हमारे होटल के बाहर इनको हम फटकने भी नहीं देते। यार बस भाई हमारा होटल खोला हमने, हॉलीडे शेरेटन, जो भी आता है इधर टून होके जाता है, क्योंकि ये हमने स्कीम ही ऐसा रखा है, एक रोटी के साथ एक दारू की बोतल फ्री। और रोटी हमने 3,000 की रखी हुई। खैर अर्चना जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हम लोग क्या क्या नहीं बोलते यार अर्चना जी को, ये इधर खड़ी रहती है, ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को मालूम है अर्चना जी जब भी हॉलीडे पे जाती है बॉम्बे से बाहर, 5-star से 7-star होटल के नीचे नहीं रुकती, सच्ची में बिल्कुल नीचे नहीं रुकती। क्योंकि एक दिन रुकी थी, दरबान ने आके मुक्का मारा, बोले उठो भागो इधर से और अपना बर्फ के गोले का ठेला भी लेके जाओ। देखो भाई होटल का बिजनेस चलता है अच्छे खाने से, खाना अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एक बार आता है, एक बार जो खा कर गया अर्चना जी बार बार आता है, कभी पुलिस को लेकर आता है, कभी वकील को लेकर आता है। कल तो एक आदमी आ गया एक लाश लेके, कहते दाल में से निकली थी। मैंने कहा साले दाल के पैसे थे, भाग इधर से। खैर अर्चना जी रात को एक आदमी आया कल, कहते खाना दो। मैंने बोला क्लोजिंग टाइम 12 बज गया, अभी खाना नहीं मिलेगा, कश्मीरी पुलाव है लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए। कहते थोड़े बहुत पैसे ले लो, मिल बांट के खा लेंगे। मैंने बोला ओ बॉस ये बहुत सेंसिटिव मामला है, चाहे कश्मीरी पुलाव हो या स्टेट, हम कभी भी उसको नहीं बांटेंगे, कभी भी नहीं बांटेंगे। देखा कोई हंसी नहीं आई, सिर्फ तालियां बजी ना, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी बातें सिर्फ मंत्रा कर सकता है, मंत्रा के मुंह से अच्छी लगती है। लेकिन भैया कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है, चाहे मंत्रा हो या मंत्री, हम कभी भी नहीं सुनेंगे, सच्ची बता रहा हूं। कौन घुस के आ गया इधर होटल के अंदर, ये साला अभी एक खत्म नहीं हुआ, अभी से क्यों माफिया मांग रहे हैं? कितनी बार बोला मैं सिक्योरिटी वालों को, ये बिना बुक में भरे किसी को अंदर मत आने दिया करो, मैं पंख मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। क्या सिक्योरिटी? अरे समंदर के रास्ते से लोग आके आपके होटल में घुस जाते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी कहाँ होती है? अरे मैं तो फिर भी उधर से उड़ के आई हूँ। माफ करना ये बातें तो मंत्रा के मुंह पे अच्छी लगती मैसेज वाली, लेकिन जब सवाल आता है सिक्योरिटी का, चाहे मंत्रा हो चाहे मंत्री, हम विश्वास नहीं कर सकते। बनकर ये बता तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? अंदर आने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, खास करके मक्खी को, बाहर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। आप समझ रहे ना मैं किस मक्खी की बात कर रही हूँ? उड़ उड़ दबंग दबंग। बकवास बंद कर, अब भाग इधर से, कस्टमर आएगा ना तेरे को देख के बहुत चिल्लाएगा, चल भाग। क्या कस्टमर, में फिर पंख मारना तेरे? मैं खुद कस्टमर हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने कमरा बुक करवाया है, वो इंजॉय करने के लिए। आप जरा रेस्ट करो, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके, मैं बाद में ले लूंगी दीदी। हाय आज पहली बार मजा आया है, कॉमेडी सर्कस में दो मक्खी हैं, फर्क सिर्फ इतना है एक मक्खी को हिट पसंद है और मुझे हिट से नफरत। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें किस करनी है? ना किसने करनी, तुमने मुझे धोखा दिया। पहले तो मुझे पास वाले कचरे के ढेर पे बुलाते थे किस करने के लिए, अब यहाँ 5-star में बुलाया, इतनी दूर से उड़ के आई हूँ मैं। येरा, येरा। इतनी दूर उड़ के क्यों आई, रास्ते में कोई कुत्ता या बिल्ली कर लेती। कहाँ से कर लेती, कुत्ता बिल्ली कहाँ से कर लेती, एक अंदर तैयार होने गया है कुत्ता और बिल्ली जज बन के बैठी है, क्या करती मैं, पागल हो गए तू। जानती मैं यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं
तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या कहा पिताजी? नहीं, तुम्हें पता तो है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली जैसे सब क्या हुआ कि हमारे ना पड़ोसी वहाँ पार्टी चल रही थी, तो डीजे लगा हुआ था, हमारा दिल कर रहा था वहाँ जाके सब उड़ेंगे। हमारी पूरी फैमिली बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। हम रसोई में बैठ के, जूठे बर्तन तो वहीं होती है ना, तो कप के ऊपर बैठ के मेरे पापा चाय पीने लगे, पैर फिसल गया, पाँव अंदर कप के। मर गए? नहीं नहीं, मेरे पापा को तैरना आता था, चाय में तैरने लगे। साहब भाई, मेरे पापा को निकाला, मुँह में डाला, चूसा और फेंक दिया। सही बात है, सही बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिड़िया हो गए, चिड़िया। आप लोग सोच रहे इतना बड़ा जूता काहे को पहन कर आया। एक्चुअली मार्केट में गया था जूता खरीदने को, 8 नंबर और 12 नंबर का जूता एक ही रेट में मिल रहा था, सोचा पैसा खर्चा करना है तो बड़े पे खर्चा ना। हम लोग ऐसे ही चिड़िया लोग होता है। फिर होटल में आया, अभी आराम मजा करेगा। बहुत ढोकला खाया। मच्छू, यही है वो कमीना जिसने मेरे बाप को मारा था, चाय में से निकाल के चूसा था, जाओ मार दो इसको। मेरे ससुर जी का कातिल। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो ये वही है? अरे वही है, मुझे पता है। पार्टी में क्या हुआ, मेरी मक्खी बहन छोटी सी वो चीज के ऊपर बैठी, वो खाने लगी, ये गंदी नजरों से देख रहा, कहता चीज के ऊपर क्या चीज बैठी है, ये घटिया बोला था, मारो इसको। वो तो बोलेगा ही, शर्म नहीं आती तुम जैसी मक्खी नंग धड़ंगी घूम रही होती हो। क्या बकवास, तू कौन सा शेरवानी पहन के आया मच्छर, मार इसको। शुक्र कर, तेरा बाप उस दिन डूब के मरा, तेरे बाप को चूसा, तेरी माँ कल को मरती, वो तेरी माँ को चूस के मोहल्ले में फेंकता, पूरे में कितनी थू थू होती। चल, या मजा लीजिए। ये चिड़िया, ये कौन है रे तू? मैं शेर हूँ। दिखने से तो मच्छर दिखता है। तो पता तो पूछ क्या रहा है बे, पूछ क्या रहा है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बोला चिड़िया? मैं तेरा ए कुत्ते, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको खत्म कर देंगे। साली भंगड़ा कर रहे, कब से ऐसे मार उसको, बदला ले। चिड़िया ये, ओ मम्मी मम्मी, ये कौन है? ये चिड़िया नहीं है, ये मक्खी है। मक्खी, ये इधर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? कमीनी, तूने मेरे बाप को मारा था, तूने बाप को कुचल किया था, अब बदला लेने आए हम, बदला लेंगे। अच्छा, तू मेरे को मारेगा? तो तेरे को क्या लगता है मैं इधर चुप बैठेगा? बदला लेंगे, बदला लेंगे। ये एक मिनट, तेरे को क्या लगता है ये सब तेरे को आता है? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, आजा खेलते हैं। टेनिस मत खेल, मार उसको। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक अला, तुम मच्छर और ये मक्खी को तो बंबई से खत्म कर देना चाहिए, मालूम कितना परेशान किया हमको। ऐसे कैसे खत्म कर देना चाहिए? नहीं कहते मोगी हम, अगर खत्म करना है तो मक्खी मच्छरों को मत करो, जो इससे भी गंदे लोग हैं भ्रष्टाचारी, उनको खत्म करो, उनको खत्म करो, उसके बाद ही हम सब इज्जत से जी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। हम भी जीना चाहते हैं, आपने हमें जीने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स। मच्छू, तुम मुझे छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
मक्खी तो मर गया, बस दूसरा मक्खी बचा है, हमको नंबर दे दो।